डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले टॉपिक में बात कर ली थी, एल्कोहल कंप्लीट पढ़ चुके थे, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे फिनोल। जनरल जो टॉपिक है फिनोल का, जनरल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना डियर स्टूडेंट फिनोल रहेगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, फिनोल क्या होता है। फिनोल का जो सूत्र होता है वो C6H5OH होता है। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें OH समूह जो है वो बेंजीन वलय से कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, फिनोल। यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है, फिनोल। फिनोल जो होता है उसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में कोलतार से फिनोल को पृथक किया गया। पूछ ले कि सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में कोलतार से फिनोल को पृथक किया गया। तो ये था फिनोल का जनरल आइडेंटिफिकेशन। फिनोल सूत्र क्या होता है इसका, C6H5OH, यानी कि बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ हो OH, उसे क्या कहा जाता है, फिनोल। फिनोल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, फिनोल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले फिनोल को किससे प्राप्त किया गया, कोलतार से इसको पृथक किया गया। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फिनोल को कोलतार से पृथक किया गया। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फिनोल को किससे पृथक किया गया, कोलतार से। तो फिनोल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, C6H5OH, कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फिनोल को कहां से पृथक किया गया, कोलतार से। यानी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें OH जो समूह है ये किससे जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं फिनोल के नामकरण की पद्धति। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर सिस्टम नाम पद्धति। नाम पद्धति के अंदर बात करते हैं सिंपल में, संरचना सूत्र, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नेम। तो पहली बात करते हैं संरचना सूत्र में, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, फिनोल होता है। सामान्य नाम क्या होता है, फिनोल। और आईयूपीएसी नाम भी क्या होता है इसका, फिनोल। जो बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ है इसका सामान्य नाम क्या होगा, फिनोल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, फिनोल। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट इसी का डेरिवेटिव लिया, बेंजीन रिंग है, इस पर OH लगा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। यानी कि फिनोल बेंजीन रिंग पर एक OH समूह और एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, क्रिसो। अब ये OH समूह के रेफरेंस में जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन सी पोजिशन पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो। तो इसका जो सिंपल नेम है वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिसो। ऐसे इसका जो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसके रेफरेंस में लोवेस्ट नंबर किसको देगी, फंक्शनल ग्रुप OH को, 1, ये क्या आ जाएगा, 2। तो 2-methyl, ये पूरा क्या कहा जाएगा, फिनोल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2-methyl फिनोल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2-methyl फिनोल। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, यहां पे ये OH
और अब ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे सी एस थ्री कहाँ पे जोड़ दिया, मेटा में, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिसोल ही रहेगा, लेकिन कैसा क्रिसोल रहेगा, मेटा क्रिसोल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो वन और थ्री पे, वन टू थ्री, तो थ्री मैथिल क्या बोल सकता हूं इसको, फिनो, थ्री मैथिल फिनो। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट डेरिवेटिव लिखा इसका, यहां पे क्या है OH, और इसकी पैरा पोजीशन पे मैंने क्या जोड़ दिया CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रिसोल तो रहेगा लेकिन कैसा क्रिसोल रहेगा, पैरा, तो सिंपल नेम हो जाएगा इसका पैरा क्रिसोल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 मेथिल फिनोल बोल सकता हूं क्या इसको, IUPAC नेम हो जाएगा 4 मेथिल फिनोल, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 मेथिल फिनोल। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के 1 2 पोजीशन पे हैं, बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर कितने OH समूह जुड़े हुए हैं, दो OH समूह, दोनों OH समूह पास पास है एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका जो सिंपल नेम होता है वो होता है कैटकोल, इसका सिंपल नेम क्या होता है, कैटकोल। अब इसका जो IUPAC नेम करेंगे तो ये दोनों क्रियात्मक समूह है एक दूसरे के क्या है, वन और टू पोजीशन पे, इन क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या लग जाएगा, और, तो बेंजीन वन टू दोनों सेम होने के क्या कारण क्या लगा देंगे यहाँ से डाई, और OH का क्या लग जाएगा और, तो IUPAC नेम बन जाएगा बेंजीन वन टू डाई और, बेंजीन वन टू डाई और, इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, बेंजीन वन टू डाई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात कर रहे हैं कि OH समूह एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं या 1-3 पोजीशन पे हैं, तो इसका जो सिंपल नेम होता है वो क्या होता है, रिसोर्सिनो, इसका जो सिंपल नेम होता है वो क्या होता है, रिसोर्सिनो। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-3 डाईपोल, बेंजीन 1-3 डाई और। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात कर रहे हैं एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर OH समूह जुड़े हुए हैं, यहां पे भी क्या लगा हुआ है, OH, तो देखो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल नेम क्विनोल बोलते हैं, इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, क्विनोल, इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, क्विनोल, या मैं कह सकता हूं IUPAC नेम बेंजीन 1-4 डाईपोल, बेंजीन 1-4 डाई और, बेंजीन 1-4 डाई और। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये जो बेंजीन 1-4 डाई और है, क्विनोल बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिनोल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रो क्विनोल, यानी क्विनोल या हाइड्रोक्विनोल, जिसे बेंजीन 1-4 डाई और कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपके फिनोल जो है उसके सामान्य एवं IUPAC नेम। तो यहाँ से देखो फिनोल का जो जनरल आइडेंटिफिकेशन है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H5OH या फिनोल। अब एरोमेटिक यौगिक कौन है, बेंजीन, उस पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह, तो यौगिक क्या कहलाएगा, फिनोल। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें OH समूह बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ होता है क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। फिनोल को क्या कहा जाता है, कार्बोनिक अम्ल। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फिनोल को कहां से पृथक किया गया, कोलतार से। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं नाम पद्धति, नाम पद्धति में संरचना सूत्र दिए गए हैं और उनके सामान्य नाम एवं IUPAC ने। तो यहां पे ये वाला जो फॉर्मूला है, फिनोल बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा, सिंपल नेम क्या हो जाएगा, फिनोल। IUPAC नेम भी क्या होता है इसका, फिनोल। अब बेंजीन रिंग पर एक OH और एक CH3 समूह जुड़ जाए तो उसका नाम क्या होता है, क्रिसोल। लेकिन OH समूह के रेफरेंस में मिथाइल जो ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रिसोल। IUPAC नेम करेंगे तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक दे, तो टू पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, टू मेथिल, तो इसका क्या हो जाएगा, फिनोल। ऐसे ही क्या है, मेटा क्रिसोल, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, थ्री मेथिल फिनोल। ऐसे ही क्या है, पैरा क्रिसोल, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फोर मेथिल फिनोल। ये क्या है आपका, कैटकोल, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-2 डाईपोल। यानी कि बेंजीन रिंग पर दो OH समूह जुड़ जाएं तो क्या, और एक दूसरे के 1-2 पोजीशन है और तो पोजीशन पे उपस्थित है, सामान्य नाम क्या होता है, कैटकोल। और IUPAC नेम कहां से करेंगे, बेंजीन
वन टू सेम होने के कारण क्या लगा देंगे डाइपोल। ऐसे ही देखो बेंजीन और एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है तो सामान्य नाम क्या होगा रिसोर्सिनोल, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा बेंजीन 13 डाइपोल। और एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है तो क्या कहलाएगा क्विनोल हाइड्रो क्विनोल, आईयूपीएसी नेम बन जाएगा बेंजीन 14 डाइपोल। तो ये है आपके साधारण नाम एवं आईयूपीएसी नेम। तो इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ से बात करेंगे फिनोल के बनाने की विधियां, कौन कौन सी विधियों के थ्रू फिनोल का निर्माण करेंगे। फिनोल को बनाने की विधियों में दो प्रकार की विधियों की बात करेंगे, एक प्रयोगशाला विधि और दूसरी औद्योगिक विधि। तो मैं पहली बात करूंगा यहाँ से प्रयोगशाला विधि। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखें प्रयोगशाला विधि, अब प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत अपन कौन कौन से मेथड्स काम में लेंगे जिनके थ्रू अपन फिनोल का निर्माण करेंगे। तो पहली बात करेंगे यहाँ से फिनोल बनाने की विधियां, और उसमें भी पहले कौन सी पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि और दूसरी कौन सी होती है औद्योगिक विधि। तो पहली बात कर रहा हूं प्रयोगशाला विधि। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियों में दो प्रकार की विधियां पढ़ रहे हैं यहां से, पहली बात कर रहा हूं प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। अब देखो प्रयोगशाला विधि में भी कौन सा सब टॉपिक किसके थ्रू बनाएंगे बेंजीन डाइअजोनियम लवणों से, बेंजीन डाइअजोनियम लवणों से। प्रयोगशाला विधियों में किसकी बात कर रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण में क्या होता है देखो यहां से N2+Cl-, इसका नाम होता है BDAC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड शॉर्टकट में इसे बोलते हैं BDAC। यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है इसको क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और यहां पे क्या है जलीय विलयन। इस जलीय विलयन को क्या किया जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या करने उबाला जाता है उबालने। जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका उसका जलीय विलयन है आपने इसको क्या किया बॉइल्ड किया है उबाला है तो यहां से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहां से प्लस यहां पे क्या आएगा माइनस। देखो ये HCl- ये H+ तो HCl यहां से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा यहां पे क्या आएगा माइनस। तो प्लस माइनस होके यहां से क्या हो जाएगा न्यूट्रल N2 बाहर निकल जाएगी रिंग पे क्या आएगा प्लस यहां का OH इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और आउट कौन हो जाएगी यहां से N2 और आउट कौन हो जाएगा यहां से Cl। तो ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट आपका फिनोल। तो यानी कि ये है आपकी प्रयोगशाला विधि के अंदर पहला जो मेथड है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। तो इसमें क्या बताया डियर स्टूडेंट कि जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण तो बेंजीन डाइएजोनियम लवणों के रूप में आपने क्या लिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं BDAC। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के इस जलीय विलयन को उबाला जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड ये है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।